हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। इसे आप ईद उल फितर के स्पेशल मौके पे भी बना सकते हैं। इसे आप रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तो है ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको रेडी करने के लिए। बहुत ही ईजी वे में बनकर तैयार हो जाता है। इसका मसाला देखिए बहुत ही दानेदार होता है। आज हम देखेंगे, देखिए कैसे बनाते हैं चिकन कोरमा। इसके लिए हम हाफ के जी चिकन लेंगे, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च का पाउडर 1 से 1.5 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, जैसा भी आपको टेस्ट लगे वैसा नमक। और इसको हम अच्छे से हाथ को वॉश करके और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच दही डाल देंगे। ये याद रहे ज़्यादा दही खट्टा ना हो। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 से 1.5 बड़े चम्मच। अब इसको और अच्छे से हाथ से अपन अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए इसको फ्रीज में रख देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से चिकन के पीस में चढ़ जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, कम से कम 1/2 घंटा तो रखना है। 1/2 घंटे में अच्छे से पीस में चढ़ जाएगा। अब इसके लिए हमें प्याज लेना है, 3 से 4 प्याज लिए। इसको काट के ऐसी रफली चॉप कर लिया। अब ऑयल लेंगे, ऑयल गर्म होने देंगे। ऑयल में हम प्याज को फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इसको, प्याज को। इसमें हमने प्याज डाल दिया अच्छे से। याद रहे तेल एकदम तेज गर्म होने के बाद ही हमें प्याज डालनी है। प्याज डाल दिया हमने, अब इसे हम ब्राउन फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन फ्राई हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है, अच्छे से क्रंची भी हो चुकी है प्याज। अब हम वही ऑयल यूज़ करेंगे जिससे हमने प्याज को फ्राई किया था, वही वाला ऑयल यूज़ करेंगे। उसमें हम 8 से 10 काली मिर्च, पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े डाल देंगे और उसके बाद ये मैरिनेट किया हुआ जो चिकन रखा था हमने वो डाल देंगे। ये देखिए ये ऐड कर दिया हमने चिकन। चिकन हमने ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। हमने चिकन को अलग करके रख लिया है क्योंकि अगर हम चिकन उसी में ज़्यादा चलाते रहते तो चिकन ज़्यादा ही गल जाता हमारा, इसलिए हम चिकन को अलग रख के और हम इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले को। अब हम ये फ्राई करी हुई प्याज को जार में डालेंगे और इसको पीसेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे प्याज का। ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया है प्याज का। प्याज के पेस्ट को हम उस ग्रेवी में ऐड कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें थोड़ा धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे। इसे तब तक चलाना जब तक ऑयल इससे अलग ना हो जाए और इसमें अपने आप ही थोड़ा थोड़ा दाना पड़ने लग जाएगा। अब हम ये बादाम लेंगे, 10 से 12 बादाम लेंगे। भिगो कर हमने इसे अच्छे से छील लिया है। अब इसे हम जार में डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे बादाम का। देखिए हमने पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को हम इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। पेस्ट हमने ग्रेवी में ऐड कर दिया है।
अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डाल दिया है, सॉरी उस टाइम का वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं चिकन डालते हुए, इसमें हमने चिकन ऐड कर लिया था। अब देखिए इसे अच्छे से धीरे धीरे हाथ से चलाएंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए कलर आने लग गया, तेल छोड़ने लग गया ये। अब इसमें चिकन मसाला ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर तक मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे। ऑयल सेपरेट होने लग गया है हमारा और देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है चिकन कोरमा का। अच्छे से भूनेंगे हम थोड़ी देर तक और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम, आधी कप जितना भी आप चाहो उतना पानी ऐड कर सकते हो, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हो। हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अभी इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। देखिए हमारा चिकन अच्छे से गल गया है। पाँच से दस मिनट तक हमने इसे पकाया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दी है। अब ये देखिए चिकन हमारा कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें चिकन कोरमा में, चिकन अच्छे से हमारा गल भी चुका है। अब तो अब इसको हम गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी में, कितना अच्छे दानेदार ग्रेवी बनी है। देखिए कितना शानदार चिकन कोरमा बना है हमारा, इसे हम रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और खाने वाले को भी बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही इजी वे में बनकर रेडी हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी है चिकन कोरमा की तो एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं इससे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने बना सकूं और इससे मुझे भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ सब लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है। और प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैंने अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ अवॉइड मत कीजिएगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।